हेलो गाइस, जेकेबी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अमित आपके लिए एलिमेंट्री मैकेनिक्स, ये पहला लेक्चर एलिमेंट्री मैकेनिक्स, इसका इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल की शुरुआत क्यों हुई, क्योंकि इग्नू से मैंने खुद फिजिक्स ऑनर्स किया है, मुझे मालूम है इग्नू के स्टूडेंट्स को कई सारे प्रॉब्लम्स फेस आउट करनी पड़ती है। सो उसके फेस आउट जो प्रॉब्लम्स इनके बच्चों को करनी पड़ती है, उनके पास बहुत सारी जॉब्स होती हैं, कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके साथ उनको ये फिजिक्स ऑनर्स का या इनको ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ती है, जिसमें उनको एक सपोर्ट जरूरत पड़ती है। उस सपोर्टिव को बनने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरुआत की है। इसमें आपको हर एक चैप्टर के मैं कोशिश करूँगा हर एक चैप्टर को कवर करने की, ठीक है। और उसमें अगर कुछ भी कमी आएगी तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करके मैं आपके पास लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, हर वीडियो को मैंने एक कोर्स के साथ शुरुआत किया है, तो इस वीडियो को भी एक कोर्स के साथ शुरुआत करना चाहूंगा, ठीक है। कोर्स कुछ इस प्रकार है, इफ यू थिंक यू कैन डू और थिंक All think you can't do a thing, you are right. So देखो बच्चों, actually ना अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो definitely आप कर सकते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो definitely आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हेनरी फोर्ड के द्वारा कहा गया है। हेनरी फोर्ड को आप लोग जानते ही होंगे, फोर्ड वाली फीलिंग, जिन्होंने ये फोर्ड वाली फीलिंग दी है वो है हेनरी फोर्ड। एस्टैब्लिशमेंट इन्होंने हेनरी फोर्ड की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। सो इनका ये कहना था कि अगर आप चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, अगर आप सोचते हैं नहीं कुछ कर सकते तो डेफिनेटली आप नहीं कर सकते, ठीक है। सो चलिए आइए आपको एलिमेंट्री फिजिक्स, एलिमेंट्री मैकेनिक्स इसका इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। क्या कहता है ये सब्जेक्ट आपको? सो ये कहने से पहले, मैं इस सब्जेक्ट को इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो इग्नू की बुक है उसमें बहुत प्रिसाइजली इसने बता रखा है आपको कैसे एग्जाम का पैटर्न, जो ना अगर आप चाहते हैं एग्जाम में अबव 90% लाना तो इग्नू की बुक्स को आपको पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। एंड उसको सॉल्व करने से पहले इग्नू ने बहुत अच्छे प्रिसाइज तरीके से बता रखा है, मैं उसको बताता हूँ क्या बता रखा है। बता रखा है कि एलिमेंट्री मैकेनिक्स के तीन ब्लॉक है। ब्लॉक फर्स्ट के अंदर 6 यूनिट्स है, 6 चैप्टर्स हैं, ओके, जिनको सॉल्व करने के लिए आपको लगेंगे कितने 12 आवर्स। इसका भी बताऊंगा कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा उन्होंने, ठीक है। मतलब आपको ब्लॉक फर्स्ट अगर खत्म करनी तो आपको सिर्फ 12 आवर चाहिए और आपका ब्लॉक फर्स्ट फिनिश हो जाएगा, ठीक है। मेरा काम ही है कि आपको आपकी पढ़ाई को ईजी करना, ठीक है, और देखना कैसे करता हूं मैं, ठीक है। ब्लॉक सेकेंड चैप्टर 4 यूनिट्स हैं और इसको कंप्लीट करने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 16 आवर्स की, राइट। एंड ब्लॉक थर्ड दैट इज 5 यूनिट्स, इसको कंप्लीट करने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी 28 आवर्स की। ये इग्नू के द्वारा कहा गया है, बट एक्चुअली ये इग्नू समझती है कि हाँ ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, स्टूडेंट कैसा है, स्टूडेंट को कितना समझ आ रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना प्रयास किया है, क्योंकि वो लोग तो भाई समझते हैं ना कि अगर ब्लॉक फर्स्ट को खत्म करना है तो उसको खत्म करने के लिए सिर्फ 12 आवर्स लगेंगे, इसलिए उन्होंने ब्लॉक फर्स्ट से जो एग्जाम में ना ये BPHE 1010 2 क्रेडिट का ये सबको मालूम ही होगा, ठीक है। और इसको एग्जाम को करने के लिए ये टोटल 25 मार्क्स का एग्जाम आता है, ठीक है, और 1.5 आवर का आपके पास टाइम होता है, ठीक है। अब इसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 25 मार्क्स पहले ब्लॉक से जो है, पहले ब्लॉक से 4 से 5 मार्क्स का आता है, एंड सेकेंड ब्लॉक से 7 से 8 मार्क्स का, थर्ड ब्लॉक से 13 से 12 मार्क्स का, ठीक है।
टोटल ऐसे अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। बस आपके तैयारी 100% क्योंकि जो भी नंबर कटेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपकी राइटिंग की वजह से। देखना, ब्लॉक फर्स्ट इतने मार्क्स का, ब्लॉक सेकंड इतने मार्क्स का, ब्लॉक थर्ड इतने मार्क्स का, इतना टाइम देना, ये चैप्टर खत्म, इतने ब्लॉक्स खत्म, ठीक है ना। ये हमारा इंट्रोडक्टरी, वैसे तो ये वीडियो जो था ये इंट्रोडक्टरी था, ठीक है, कि इस एलिमेंट्री मैकेनिक्स को हम कैसे खत्म करने वाले हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा ब्लॉक फर्स्ट को हम डिफाइन करेंगे कैसा है। आपके मन में डाउट होगा यार 12 घंटे क्यों और ये 6 यूनिट्स हैं, इसमें 4 से 5 मार्क्स का क्यों, तो मैं बता दूं आपको, ब्लॉक फर्स्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है और कहीं नहीं। तो इसलिए 9th और 10th का कितने घंटे चाहिए होगा आपको, आप लोग खुद साइंस के बच्चे तो डेफिनेटली आपके लिए वो बहुत ईजी है, और वो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली 12 घंटे बहुत ज्यादा बोल दिया यार, आप तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, आप लोग तो टैलेंटेड हो, तो सिंपल सी बात है ये, ठीक है ना। उसका ब्लॉक सेकंड जो है वो है 11th और 12th के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, तो इसलिए उसको सॉल्व करने के लिए कितने घंटे जो है 16 आवर्स की, और उसमें से 7 टू 8 मार्क्स के पूछे जाएंगे। एंड जो ब्लॉक थर्ड है वो है कुछ नया आपके लिए, तो उसको सॉल्व करने में 28 आवर्स चाहिए और 5 मिनट्स है, और उसमें 13 से 12 मार्क्स का आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी मेल था। अगला जो वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, अगला जो वीडियो आएगा वो हमारा आएगा ब्लॉक फर्स्ट के, चैप्टर फर्स्ट के जितने भी यू नो टर्म्स है उसको डिफाइन करूंगा, और ब्लॉक फर्स्ट को चैप्टर वाइज चैप्टर मेरे को सॉल्व कराना है, न्यूमेरिकल सॉल्व कराना है, जो जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में आए हैं उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है, ठीक है ना। सो गाइज, मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, जो भी इस वीडियो पे मतलब पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज इसमें इतना अच्छा लाइक सब्सक्राइब करना जो सोचा था इस आइडिया पे उतना आया नहीं है, तो सब्सक्रिप्शन इज मस्ट रिक्वायर टू मेक अ यूट्यूब चैनल परफेक्ट। ओके, हमें इनकरेज करने के लिए आपका सब्सक्रिप्शन जरूरी है, ठीक है। सो सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है ना। तो ठीक है, अगला वीडियो देखते हैं।